धमार पद गान के आज तृतीय दिवस में प्रथम पद राग पीलू में प्रस्तुत होने जा रहा है। शब्द है या गोकुल के चहोटे रंग रांची ग्वाल। ये रचना राजा आसकरण जी की है जो गोसाई जी के सेवक थे। एक बार होरी के दिन हते सो आसकरण जी गोप कुआ ते जशोदा घाट स्नान करने के लिए जा रहे थे और वहीं पे रमण रेती में ठाकुर जी ने मुरली बजाई और राजा आसकरण ने वह मुरली का नाद सुना। सुनते ही स्नान करना तो भूल गए और रमण रेती पहुंचे। वहां जाकर देखा तो अलौकिक गोकुल नंदालय की लीला का दर्शन हुआ। ब्रज भक्त ठाकुर जी के संग होरी खेलने के लिए आए हैं। एक और बलदेव जी सखा सहित गोप सहित हैं, दूसरी और ब्रजभक्त मिलके होरी खेलन लगे। वहां ते एक गेल एक मार्ग रावल की ओर जो स्वामी जी के घर की ओर जा रहा है। इस प्रकार आसकरण जी को लीला सहित दर्शन हुआ। अपना देहानुसंधान भूले उन्मत्त होकर दर्शन करते हुए गाने लगे या गोकुल के चहोटे रंग रांची ग्वाल। गोकुल के चौक चौराहा पे ग्वालिनों ने मोहन से फाग खेलने के लिए रंग मचाया है। प्रभु ने अपने नैनों के रंग से ही ग्वालिनों को रंग दिया। नर नारी श्री प्रभु के प्रेम से आनंदित हो रहे हैं। घर घर दुंधुवी बज रहे हैं, नगर में कुलाहल मचा है, झुंड के झुंड उमड़ रहे हैं। सभी घर सूने हो गए, आज घर में कोई है ही नहीं, सभी लोग खेलने के लिए चौक में आए हैं। डफ बांसुरी ताल मृदंग उपंग झांझ झालरी किन्नरी आवज मुखचंग की ध्वनियां सभी के मन को आनंदित कर रही हैं। उधर श्री गोपाल का समाज जिसमें नंद कुमार मुख्य हैं, दूसरी ओर सुंदर गोपियां हैं, सुहावनी गारी गाती हुई इकट्ठी हो रही हैं। श्री प्रभु के हाथ में रत्न जड़ित पिचकारी है और श्री गोकुल के नाथ उन नारियों पर रंग छिड़क रहे हैं जो श्री राधा जी की सहचरियां हैं। उन पे केसु के फूल को निचोड़ कर उसमें मृगमद चोवा कुमकुम मिला रहे हैं। लाल गुलाल मुट्ठी भर भर के उड़ा रहे हैं। विमानों में से देवता देख रहे हैं जब ये लीला, उन्हें भी अपने देह की सुध नहीं रहती। देवता भी व्रज वधुओं के इस खेल को देखकर चकित हो गए और राजा आसकरण जी युगल स्वरूप की लीला पर बलिहारी जाते हैं और गान कर रहे हैं या गोकुल के चहोटे रंग रांची ग्वाल। मोहन खेले फाग नैन सलोनरी रंग रांची ग्वाल। आओ हम इस पद का श्रवण करें। धमार राजभोग सन्मुख नु पद छे। सुंदर मजानू पदना शब्दों से या गोकुल के चोहटे रंग रांची ग्वाल। राग पीलू ताल धमार पीलू मां थोड़ो भीमप्लास बेज लागे छे। या गोकुल के ग्वार या गोकुल के तो हटे रंग राती ग्वार। मोहन खेले फाग नैन सलो रंगराती ग्वाल।
गहोय रंगराजी ग्वार नगर कुला हल होई नैन सलो
બધી થઈ એકત્ર ભયે રંગ રાજી ગ્વાર રતન જટી તય પિચકાઈયા રંગ રાજી ગ્વાર કરલી એ ગો ફૂલનાથ નેન સલો કે બનિતા બ્રંદ કો રંગ રાજી ગ્વાર જે રાધા કે સાથ નેન સલો અભિમાન સુર દેખી રંગ રાજી ગ્વાર દેહ દશા દેહ દશા ગઈ ભૂલને સલો નરી ગયો રંગ રાજી
सिख गोपाल की रंग राजी ग्वाल, राधा रसिक गोपाल की रंग राजी ग्वाल। आस करन बन जाई नैन सलो नरी रंग राजी ग्वाल। आया गोकुल के तो हटे रंग राजी, पागने न सलो नरी रंग राजी ग्वाल, रंग राजी ग्वाल, रंग राजी ग्वाल। राग काफी में अब पद का गान होने जा रहा है। शब्द हैं, औरन सो खेले धमार लाल मोसो मुखहु न बोले। प्रस्तुत पद में पनघट लीला की भावना है। एक सखी कह रही है कि लालन औरों से तो राजी होकर आनंदित होकर धमार भाग खेल रहे हैं, पर मेरी ओर तो देखते ही नहीं, मुझसे बोलते ही नहीं। जब देखूं तब नंद राय जी का लाड़ीला मुझसे टेढ़ी ही बात करता है, सीधे तरीके से बोलता ही नहीं। जब राधा जी जल भरने निकसी पधारी तब अचानक जाकर उनके सिर से घूंघट हटा दिया। क्या करें, सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सांवरे सदा हीरा के बीच में डोल रहे हैं, हृदय में मध्य विराज रहे हैं, वास कर रहे हैं, और बार बार उनकी छवि याद आती रहती है। राग काफी में इस पद का श्रवण करें, और अनसो खेले धमार लाल मोसो मुखहुन।
प्रस्तुत कर रहे हैं। राग सारंग में धमार है। कुंज एकादशी के दिन कई घरों में यह पद विशेष रूप से गाया जाता है। शब्द हैं, प्यारी ते मोहन को मन हर्यो, तो बिन रह्यो न जाए री प्यारी। एक सखी स्वामी जी से जाकर कह रही है, अरे प्यारी, तूने मोहन का मन हर लिया है, तुम्हारे बिना उनसे सहज भी रहा नहीं जाता। पिया ठाकुर जी ने कुंज महल में नवीन पल्लवों की शैया सजाकर विराजे हैं। बीच बीच में शैया जी में जुई, सेवती और निवारी के पुष्प भी उन्होंने बिछा रखे हैं। कुंज कुटी के द्वार पर विराज कर बैठ कर प्यारी, तुम्हारा पंथ मार्ग निहार रहे हैं। तेरी याद में ब्रजराज कुंवर की आंखें भर आती हैं। उन्होंने अपने हाथों से विविध पुष्पों की चोली गूंथी है, तुम्हें अपने हस्त से पहनाएंगे, तुम उठकर जल्दी चलो। कभी नेत्र बंद करके तेरे मुख का ध्यान करते हैं, पुलकित शरीर होकर भुजाओं से भेटते हैं। तुम्हारे मुख से चंद्रमा को देखकर कहते हैं कि ये लौकिक चंद्र तो कलंकित है, पर प्यारी के मुख रूपी चंद्र में तो कोई भी कलंक नहीं। या छवि चंद्र की प्यारी के मुख चंद्र जैसी नहीं है, यद्यपि जो के बहुत सारी ब्रज सुंदरी उनके समीप हैं, तो भी कहीं पर भी मन उनका नहीं लग रहा। जैसे चातक पक्षी की प्यास भूमि के जल से नहीं, पर स्वाति जल की बूंद से बादल के बूंद के बिना नहीं बुझती, वैसे ही प्यारी तुम्हारे बिना प्रीतम को अन्य कुछ भी सुहाता नहीं है। इस प्रकार अपने प्रीतम का प्रेम सखी के मुख से सुनकर प्यारी तुरंत ठाकुर जी के समीप उठकर पधारी भागी। गोविंद दास जी ने प्रभु अपनी प्रिया को, गोविंद दास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने अपनी प्रिया को एकांत में कंठ से लिपटा कर आप प्यारी से मिले हैं। आओ इस पद का हम श्रवण करें। राग सारंग में, प्यारी ते मोहन को मन हर्यो, तो बिन रह्यो न जायरी प्यारी। भर भर लेते हैं
अपने करन विविध कुसुम की चोली हो प्यारी तेरे उर पहराव चलो बेगोट बोली हो प्यारी कब तन पुलकित भुज भेंट ही करत स्वकीय धर पान हो प्यारी ते मोहन को मन हरो मोर तो बिन रहो मन जाय हो चंद देख आनंद ही तुम मुख की अनुहार हो प्यारी यह छवि बाहिन पूजही निरख कलंक विचार हो यद्यपि सकल ब्रज सुंदरी कबहु नमन अनुजाय हो प्यारी चातक जलधर भुवजन त्रशान जाय हो प्यारी ते मोहन को मन भरो गोर तो बिन रहो न जाय हो प्यारी पिय को प्रेम सखी पिय को प्रेम सखी मुख सुनो सब की उठी उठाय हो प्यारी गोविंद प्रभु पिया स्वामी गोविंद प्रभु पिया स्वामी रस कंठ लपटाय हो प्यारी ते मोहन को मन भरो गोर गोविंद रहो न जाय हो प्यारी ते मोहन को मन भरो गोर गोविंद रहो न जाय हो प्यारी ते मोहन को मन भरो गोर गोविंद रहो न गोविंद रहो न